अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सब्जेक्ट साइंस की टीचर मिस मरियम खालिद। आज का हमारा लेक्चर हमारे प्लांट्स ऑफ का लिविंग थिंग्स ऑफ प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पर है। मैं आज भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूं ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स। द क्वेश्चन इज वेयर आर द सीड्स मेड इन सीड bearing plants, where are the seeds made in seed bearing plants? In seed bearing plants, the seeds are made inside the flowers. In seed bearing plants, the seeds are made inside the flowers. Where are the seeds made in seed bearing plants? In seed bearing plants, the seeds are made inside the flowers. The next is, how does a mushroom get food? How does a mushroom get food? They get food from the humans in the soil. They get food from the human in the soil. They get food from the humus in the soil. How does a mushroom get food? They get food from the humus in the soil. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर से समझ में आया होगा और आप इंशाल्लाह इसको साथ साथ याद भी जरूर करेंगे। हमारे लेक्चर को रिव्यू करें, लेक्चर से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करें। जो बात समझ में नहीं आती और आप पूछना चाहते हैं और वो आपको मुश्किल लगती है तो वो जरूर डिस्कस किया करें ताकि हम आपको क्लियर कर सकें, आपको आंसर कर सकें। लेक्चर्स को तवज्जो के साथ सुना करें, इनको बाद में याद भी जरूर किया करें। जो चीज़ मुश्किल लगती है उसको साथ साथ राइट किया करें। लेक्चर के बाद एक बार इसको रिवाइज जरूर किया करें ताकि वो आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।